डीप नाइट फाइनल एपिसोड की शुरुआत में सभी को इवेंट के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। फ्रिया कहती है, खेम थैंक यू, तुम्हें पता है यह पहली बार है कि इस तरह का कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। खेम कहता है, डीप नाइट का पहला इवेंट? फ्रिया कहती है, हाँ अगर तुम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। तभी खेम डीप नाइट क्लब अपने लिए मांग लेते हैं और फ्रिया खुश हो जाती है। मेजी उसे बुके देते है और फ्रिया कहती है, आने के लिए थैंक यू। मेजी कहती है, इस तरह के इम्पोर्टेंट इवेंट में मुझे आना ही पड़ेगा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताओ। चाहे हम कितनी बार फाइट करें, मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। मैं बस इसके बारे में सोचता हूँ, हम दोनों एज के हिसाब से अब ओल्ड है, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? मैं कर सकती हूँ, बस मुझे बताओ, अपने करीब आने दो, बस इतना ही काफी है। फ्रिया कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी एज के किसी पर्सन की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? मैंने खेम और ओला को साथ देखा है, वे बहुत खुश है, मुझे भी एक चाहिए, क्या हम एक कपूल बन सकते हैं? यह सुनकर मिजी बहुत खुश हो जाती है। खेम पूछता है, ग्रेट क्या तुमने ओला को देखा? ग्रेट कहता है, नहीं, उसने मेरे लिए हेयर ठीक किया और वो यहाँ से चला गया। तभी खेम उसे ढूंढते हुए आते है। ओला इवेंट शो की तैयारी कर रहा होता है और वो गिर गया, जिसके कारण उसके पैर में चोट आते है। खेम उसे देख कर अपने साथ ले आते है। ग्रेट कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें चोट लगी है। ओला कहता है, प्लीज पहले मुझे परफॉर्म करने दो। खेम कहता है, तुम यह कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी चिंता नहीं है? पेन सभी से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज के जलने की स्मेल आ रही है? सभी हाँ कहता है और नोटिस करते हैं कि सेजी की शर्ट जल रही होती है। दूसरे ओर केन को सेजी की शर्ट खराब होने के कारण उसके हिसाब से रेडी करते हुए देखते है। पेन उसे पूछता है, यह क्या है? केन कहता है, बस हो ही गया है, फिनिश होने के बाद तुम इसे उसके पास ले जाना। पेन कहता है, क्यों? तुम इसे ठीक कर रही हो तो तुम्हें उसे देना चाहिए, वो आभारी होंगे। केन कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे द्वारा देने से वो बहुत ज्यादा खुश होगा, प्लीज उसका ख्याल रखना। यह कहकर वो जाते है, लेकिन पेन को उसके लिए चिंतित देखते है। ओला अपने पैर को मूव भी नहीं कर पाते। खेम कहता है, मैंने कहा कि तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओला कहता है, आसान है, यह बॉस लपेटा हुआ है। खेम कहता है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हारे पैर में इतनी चोट लग गई, क्या तुम फिर भी परफॉर्म करोगे? मुझे तुम्हारी चिंता है, अब हर कोई तुम्हारे बारे में चिंतित है, तो तुम अपने बारे में चिंतित क्यों नहीं हो? ओला कहता है, आज मेरी माँ आने वाली है, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो देखे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। खेम कहता है, सॉरी मैं इसके बारे में सोचना भूल गया, लेकिन कुछ भी हो मुझे अभी भी तुम्हारी चिंता है। ओला कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद को सेफ रखूंगा। खेम कहता है, मैं तुम्हें खुद बचाऊंगा। नाइट इवेंट में सभी को आते हुए देखते हैं। फेरिया और मेजी वेलकम करती है। यहाँ फेरिया के हस्बैंड तान भी आते हैं। तान कहता है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे क्या हालचाल है? फेरिया कहती है, मैं ठीक हूँ। तान कहता है, साइनाक ने कहा कि तुमने यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फेरिया कहती है, इवेंट अब शुरू होगा, आज पुरुष फ्री एंट्री कर सकते है, प्लीज अंदर जाओ। उसके जाने के बाद मेजी उसे घूर रही होती है। फ्रिया कहती है, क्या हुआ? वो हॉट है। मेजी कहती है, यह हॉट नहीं है, ऐसे कहकर वो जाती है। फ्रिया कहती है, अरे तुम वापस कैसे जा सकते हो? इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। मेजी जलास होकर कहती है, तुम्हारी असली कपूल यहाँ है, उसे मेरे लिए यह करने दो। फ्रिया कहती है, मेजी तुम्हारा क्या मतलब है? उनका और मेरा लंबे समय से तलाक हो चुका है, वो मेरा असली कैसे हो सकता है? असली तो यही खड़ा है, जलास मौत हो, प्लीज अभी साथ है और साथ ही रहेंगे। यह सुनकर मेजी मान जाती है। परफॉर्मेंस शुरू होती है। पहले ग्रेट परफॉर्म करते हैं, फिर केन और शेजी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, नेक्स्ट ओला को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और उसकी मॉम उसके टैलेंट को देख कर स्माइल करती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच ओला अपने पैर के दर्द के कारण गिर जाते हैं और माहौल पूरी तरह से शांत हो गया और मॉम को चिंतित दिखाई देते हैं। तभी खेम उसके साथ परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आते हैं और उसे खड़े होने में मदद करते हैं और दोनों को हम साथ परफॉर्म करते हुए देखते हैं।
एन में दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और खेम वेला को किस करते हैं और दोनों के बीच लिप टू लिप किस होती है। बाकी होस्ट मेंबर उसे पूछता है, वेला क्या तुम ठीक हो? वेला कहता है, मैं इसे एक बार और कर सकता हूँ। ग्रेट कहता है, वेला चोट लगने के बाद भी तुमने इसे प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म किया। वेला कहता है, क्योंकि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला। केन खेम से पूछता है, तुमने यह करना कब सीखा? खेम कहता है, मुझे वेला ने सिखाया, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वेला की मॉम वहाँ आती है और उसके पैर पर बैंडेज लगा देती है और कहती है, क्या इससे बहुत दर्द होता है? वेला कहता है, यह थोड़ा सा है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मॉम। तभी मॉम कहती है, तुमने आज वहाँ गई, बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हें ऐसा करते कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है। जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मैं भी खुश होती हूँ, वेला कहता है, थैंक यू मॉम। तभी लेडी टीचर कहती है, आज सचमुच मजा आ गया, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, और आपको बुरा महसूस कराने के लिए सॉरी। वेला कहता है, कोई बात नहीं, आज आने के लिए आपका शुक्रिया। मेल टीचर कहता है, तुमने बहुत बढ़िया किया। वेला, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार तुम्हें देखकर सरप्राइज होऊंगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं थी। तुम एक टैलेंटेड डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग लड़के हो, तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। वेला थैंक्स कहता है। टीचर कहता है, मैंने आज नोटिस किया कि क्लब बिल्कुल सेफ है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपके लिए उनसे बात करने जाऊंगा। तान कहता है, यहाँ काम करना क्या ठीक है? खेम कहता है, ठीक है डैड, चिंता मत करो। तान कहता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ कोई पोजीशन पर अपना काम करते हो, जब तुम मेरे साथ थे क्या मैंने तुम्हें कभी थकाया है? खेम कहता है, जब मैं आपके घर में रहता था तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते है, मुझे हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप सोच सकते है कि यह थकाऊ है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी है कि मैं माँ और उनके पसंदीदा क्लब की देखभाल कर सकता हूँ, चाहे फ्यूचर में क्लब बंद हो जाए या नहीं, मैं यहाँ मौजूद रहूँगा। दान कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस क्लब को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम बहुत बड़े हो गए हो, हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, आपकी मेरी याद नहीं आती। खेम कहता है, देर क्या आप माँ से मिलना चाहते है? दान कहता है, नहीं, मुझे लगता है वो खुश है। परफॉर्मेंस के एंड में सभी होस्टेस को अपने गेस्ट से मिलाते हैं और सभी गेस्ट को डीपनेट क्लब आने के लिए थैंक्स कहती है और नंबर वन वेला से इंट्रोड्यूस कराती है और वेला सभी से कहता है, सबसे पहले मैं आज रात हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी गेस्ट को थैंक्स कहना चाहता हूँ। भले ही यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे गेस्ट को खुशी और आराम देता है, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते। जैसा कि सभी देख सकते हैं, हमारे क्लब में कोई होस्ट है, हमारे पास एक्सपर्ट होस्ट है जो लंबे समय से यहाँ है और ट्रेनर होस्ट भी यहाँ है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ इतने लंबे समय से हूँ कि मैं एक और कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ कि मैं दूसरों को अपना पोजीशन देना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक ट्रेनर के तौर पर काम करूँगा और मेरे जगह पर दूसरे होस्ट यहाँ काम करेगा। यह सुनकर सेजी को अपनी कही हुई बात याद आती है कि हर कोई फर्स्ट रहना चाहता है और किसी दिन मैं फर्स्ट रहूंगा। वेला कहता है, अब हमारे क्लब की नंबर वन होस्ट सेजी है। खेम कहता है, आज मैं शॉक हो गया, क्या तुम इसके बारे में लंबे समय से सोच रहे थे? क्या तुमने यह मेरे लिए किया? वेला कहता है, अपनी चापलूसी बंद करो। खेम कहता है, ओ सीरियसली, यह ठीक है, तुम इसे करना जारी रख सकते हो। वेला कहता है, नहीं, मेरे पास केवल तुम ही हो और तुम्हें भी किसी और को रखने के लिए अनुमति नहीं है। खेम कहता है, ठीक है। वेला कहता है, मेरे कर्ज लगभग खत्म हो चुके हैं, मैं बस एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, हमारे पास एक दूसरे के लिए समय होगा अन्य कपल की तरह। खेम कहता है, तुम्हें अन्य कपल की तरह बनने की जरूरत नहीं है, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर उसके लिप्स पर किस करते हैं। वेला कहता है, यह नहीं करना चाहते। खेम कहता है, मैं यह तुम्हारे लिए करूँगा। और यहाँ दोनों के बीच रोमांस होते है। नेक्स्ट हम उन तीनों को साथ देखते है। केन सेजी से कहता है, बधाई हो, तुमने पहला स्थान
पा ही लिया और पेन भी तुम्हारे साथ है। सजी पूछता है, केन क्या तुम ठीक हो? केन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पेन कहता है, केन उसके लिए थैंक यू, उसके सर ठीक कराने के लिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को सुधार लूंगा। सजी पेन के ओर देख रहा होता है। पेन कहता है, सच्चे प्यार का मतलब जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उन्हें खुश करना है ना? सजी असल में तुम केन से प्यार करते हो है ना? सजी कुछ नहीं बोलता। पेन कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए क्या हम तीनों साथ डेट कर सकते है? सजी हम दोनों से प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, हम तीनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? इसके अलावा अगर तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ तो कुछ ऐसा होगा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम्हारे पास केन है तो हम तुम्हारा ख्याल रखने में मदद कर सकते हैं और तुम्हें ज्यादा खुश रख सकते हैं। सजी पूछता है, क्या तुम श्योर हो? पेन हाँ कहता है और तीनों एक साथ हग करते हैं और तीनों साथ में डेट करना शुरू कर देते हैं। डीप नाइट एपिसोड की एंड में क्लब की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और केन अपने थीपी रिश्ते के बारे में मैडम फेरिया से कहता है और तीनों को खुशी से एक साथ रिश्ते में रहते हुए देखते हैं। जेम्स और ग्रेट को एक कपल की तरह साथ रहते हुए देखते हैं और वेला को एक ट्रेनर के रूप में काम करते हुए देखते हैं। डीप नाइट क्लब पहले की तरह ओपनिंग होती है और यही पर ही फाइनल एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।